रियल लाइफ में काम करते करते कभी बॉलीवुड स्टार्स इश्क के जाल में फंस जाते हैं, ये नहीं पता होता। किसी को उनका प्यार मिलता है तो कोई हाथ मसलते रह जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार मिलना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। जिसके बाद कई सेलेब्स ने दोबारा दिल लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल लगा नहीं। इसी का नतीजा है कि ये सितारे अब तक कुंवारे हैं और खुशी की लाइफ जी रहे हैं। इस लिस्ट में सलमान खान से लेकर तब्बू तक का नाम शामिल है। तो चलिए बताते हैं उन सेलेब्स के बारे में। सलमान खान, बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इंडस्ट्री में अपनी सफलता का परचम जरूर लहरा चुके हैं, लेकिन जब बात इश्क की होती है तो सलमान हमेशा नाकामयाब ही रहे हैं। दबंग खान का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन, संगीता बिजलानी, सोमी अली, कटरीना कैफ समेत कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है, लेकिन हर दफा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सलमान के साथ इन सेलेब्स का आखिर रिश्ता क्या कहलाता है। सलमान खान खुद को सिंगल बताते हैं और शादी से बचते नजर आते हैं। कई बार उन्होंने शादी के सवाल को स्मार्टली इग्नोर किया है। क्या आप चाहते हैं सलमान की शादी हो? सुनो भाई, मेरी बात सुनो। आंटी जी एक नया सवाल लेकर आई हैं, इधर तालियां तो मारो। आंटी जी का चेहरा भी याद रख लो। कंगना रनौत, बॉलीवुड इंडस्ट्री की पंगा क्वीन यानी कंगना रनौत एक सेल्फ मेड स्टार है। कंगना प्रोफेशनल जिंदगी में सफल रहने के बावजूद भी पर्सनल लाइफ में बेहद अनलकी रही है। फिलहाल एकला चलोरे पॉलिसी के तहत जिंदगी में आगे बढ़ने वाली कंगना का नाम अध्ययन सुमन और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के साथ जुड़ चुका है। कंगना कई बार ऋतिक रोशन पर आरोप तक लगा चुकी है। इनकी कानूनी लड़ाई एक समय में नेशनल न्यूज बन गई थी। दोनों का विवाद काफी बढ़ा, लेकिन अब तक कंगना सिंगल है और ना ही किसी के साथ उनकी डेटिंग की खबर सामने आई है। तब्बू, रिपोर्ट्स की माने तो तब्बू 51 की हो चुकी है और आज तक सिंगल और हैप्पी लाइफ गुजार रही है। वही तब्बू की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनका नाम साउथ के सुपरस्टार नागार्जुना के साथ जुड़ा था। अफवाहें तो तमाम उठी, लेकिन तब्बू आज भी सिंगल ही है। रेखा, एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा को देख किसी का भी दिल धक धक करने लगता है, लेकिन कहा जाता है कि रेखा की किस्मत भी सच्चे प्यार के मामले में बेहद खराब रही है। यूं तो रेखा की हंसी के पीछे अनगिनत दर्द छिपे हैं। रेखा ने उम्र के जिस भी पड़ाव पर किसी को प्यार किया वो उनका साथ छोड़ता चला गया। उनका नाम विनोद मेहरा से लेकर अमिताभ बच्चन तक से जुड़ चुका है। रेखा की शादी भी हुई, लेकिन ये एक हादसे के रूप में तब्दील हो गई। यूं तो रेखा को आज भी मांग में सिंदूर भरते देखा जाता है, लेकिन वो किसके नाम का सिंदूर मांग में सजाती है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन वो समय समय पर इसका हिंट जरूर देती रहती है। सुष्मिता सेन, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन, सबसे खूबसूरत सुष्मिता सेन का भी नाम यूं तो कई लोगों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन आज तक वो सिंगल है। ललित मोदी के साथ नाम सामने आने पर सुष्मिता खूब लाइमलाइट में छाई हुई थी। हालांकि एक महीने में ही दोनों के अलग होने की खबरें भी सामने आई। फिलहाल वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोमान शॉल के साथ पार्टी करती है और वो उनके अच्छे दोस्त भी है। दोनों अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। वेल, तो ये थे बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा स्टार्स जो अपनी सिंगल लाइफ में बेहद खुश है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या आप इन्हें कभी शादी के बंधन में बनते देखना चाहेंगे? किसके साथ इनकी जोड़ी आपको अच्छी लगती है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।